एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थ्योरम पढ़ेंगे, जो बहुत ही यूजफुल है और बोर्ड एग्जाम में इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग रोल्स थ्योरम पहले पढ़ेंगे। रोल्स थ्योरम, जिसे हिंदी में कह सकते हैं आप रोले का प्रमेय, और इसके बाद लग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, जिसको मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है, MVT। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए, एल्जेब्रिक मीनिंग समझिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने में एबल हो जाएंगे। तो इसको रटने से अच्छा है कि आप इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझिए। रोल्स थ्योरम कहता क्या है, इस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सब हम बताएंगे। तो रोल्स थ्योरम एक्चुअली ये कोई ऐसा थ्योरम नहीं है जिसको आपको प्रूव करना है, इसका वेरिफिकेशन आपको पढ़ना है। मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, इसको प्रूव नहीं करना है। रोल्स थ्योरम में कुछ एक स्टेटमेंट गिवन है, उसको वेरीफाई करना होता है एक क्वेश्चन के थ्रू, या दूसरे तरह का क्वेश्चन बनता है उसको चेक करना पड़ता है अप्लीकेबिलिटी, क्या इस क्वेश्चन पे रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रोल्स थ्योरम की, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल AB, अगर आपने क्लास 11 ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये क्या है, क्लोज इंटरवल। इफ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल AB टू R, मीन्स रियल नंबर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल AB टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इज सच दैट, फर्स्ट है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB, एफ एक्स क्लोज इंटरवल AB में कंटिन्यूअस होना चाहिए, मीन्स A to B, A से लेकर B तक कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB, और A और B के बीच, उसके बीच में, मीन्स ओपन इंटरवल AB में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होने का मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव मिलना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट इज एफ डैश एग्जिस्ट इन AB। एंड थर्ड, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मीन्स एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उस पर हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है। तो ये रोल्स थ्योरम का अप्लीकेशन का कंडीशन है, शर्त है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी बिटवीन AB, दैट इज सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, मीन्स ए और बी के बीच में कोई एक वैल्यू सी मिलनी चाहिए, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर एफ डैश सी जीरो हो जाए। एफ डैश सी जीरो होने का मतलब दैट इज एफ डैश एक्स, उसका डेरिवेटिव जीरो हो एक्स इक्वल टू सी पे। तो आइए पहले इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी क्या है। वी से दैट इफ फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज अबव थ्री कंडीशंस, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी इन AB, ओपन इंटरवल AB, वेयर द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट CFC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, तो फंक्शन है अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका कोई कर्व बन रहा होगा, कोई भी कर्व होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि वो कर्व कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। तो पहला बात, यहाँ पे एक हमने कर्व बनाया है, देखिए ये कर्व कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है, और वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मीन्स उसके बीच में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया जा सके तो वो डिफरेंशिएबल कहा जाता है, मीन्स इसके बीच में हम कहीं भी एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच सकते हों। एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मीन्स ये कर्व जो बन रहा है एक गैप के बीच में, एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, यानी एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट हैं, उन ऐसे दो पॉइंट होने चाहिए जिन पर एफ एक्स की वैल्यू सेम आए, मीन्स एक्स इक्वल टू ए पर भी फंक्शन की हाइट उतनी ही होनी चाहिए जितना बी पे है। देखिए एक्स इक्वल टू ए मीन्स ये एक्स कोऑर्डिनेट है और इस पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो एफ ए कही जाती है, वाई के अलांग, तो ये वाई डिस्टेंस, मीन्स एफ ए की लंबाई उतनी ही होनी चाहिए जितनी एफ बी की लंबाई है, फंक्शन एकदम बिल्कुल इक्वल होना चाहिए ए और बी पर, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है हमें। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, मीन्स ये
कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए एफ ई बी एफ बी के इक्वल है, तो इसके बीच में डेफिनेटली एक कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स का मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप, जिसको आप वहाँ पे कहते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन, या एम कहते थे ग्रेडियंट, वही इसमें क्या है डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स कहलाता है। तो एफ डैश एक्स क्या है, स्लोप है कर्व का, टेंजेंट का। तो टेंजेंट का स्लोप जीरो तब होगा जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए टेंजेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है कोई भी टेंजेंट वही उसका स्लोप जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स जीरो होगा, इसके बीच में डेफिनेटली एक पॉइंट कम से कम मिलेगा जहां पर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा होगा, वो एक्स इक्वल टू सी हो सकता है जो ए और बी के बीच में होना चाहिए, और वहां पे एफ डैश सी जीरो हो जाएगा, मीन्स उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स इसके पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का कंडीशन यहां पे ज्योमेट्रिकली आपको दिख रहा है, बिल्कुल यहां पे देखिए यहां से यहां तक एक फंक्शन है और उसको हमने जब एफ ए एफ बी के इक्वल है तो ये एक जरूर एक पॉइंट मिलेगा जहां पर हर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये एक तरह का हो गया फंक्शन, इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे। दूसरा एक और हम कर्व बनाते हैं, इसमें लिखा है एटलीस्ट वन पॉइंट, मीन्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से कम भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कर्व हमने ऐसा बना लिया, यहाँ पे देखिए ये एक्स इक्वल टू ए हो गया और ये एक्स इक्वल टू बी हो गया, हमने ले लिया एक्स इक्वल टू बी, ये एक्स इक्वल टू ए है, दोनों पर दोनों की यहाँ पे हाइट इक्वल है, मीन्स एफ ए और एफ बी दोनों बराबर हैं। तो इसके बीच में एक पॉइंट जरूर यहाँ मिलेगा जहाँ पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो यही कंडीशन है आपका। दूसरा एक और कंडीशन आपको बना के दिखाते हैं ज्योमेट्रिकली, क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा है एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट, मीन्स एक से ज़्यादा भी पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो जैसे देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं ऐसे, ये x इक्वल टू ए ले लिया हमने और यहाँ पे x इक्वल टू बी ले लिया, तो देखिए इन x इक्वल टू ए और b दोनों पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, यानी यहाँ पे जितना वैल्यू है उतना ही यहाँ भी है y की वैल्यू। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। अब इसके बीच में देखिए एक तो यहाँ पे मिल जाएगा जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, पैरेलल हो रहा है इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, यहाँ भी एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा, यहाँ भी एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा, यहाँ तीन पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब मोर देन टू पॉइंट्स भी, मोर देन वन पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। तो ये हमारा अप्लीकेबिलिटी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। अब हम देखेंगे एलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो एलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में तो आइए अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं। लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल विथ ए एंड बी इट्स रूट्स। हमने एक फंक्शन सपोज कर लिया जो पॉलिनोमियल फंक्शन है और ए और बी दो रियल नंबर्स हैं जो उसके रूट्स हैं, हमने ऐसा सपोज कर लिया। तब देखिए हमें ये पता है सिंस एवरी पॉली वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। जब डिफरेंशिएशन में पढ़ा रहा था तभी आपको बताया था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं। तो मतलब एफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, क्योंकि ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होता है। दोनों रूट हैं ए और बी, तो एफ ए और एफ बी दोनों जीरो के इक्वल आएंगे, दोनों इक्वल आने चाहिए क्योंकि दोनों पर दोनों की वैल्यू रखने पर फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी हो गया, मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी आ रहा है, मतलब रोल्स थ्योरम के हर एंगल को ये सेटिस्फाई कर रहा है, हर कंडीशन को। एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थियरम। देन देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए जब एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी कोई पॉलिनोमियल ही आएगा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वो पॉलिनोमियल आएगा, पॉलिनोमियल आएगा तो हर पॉलिनोमियल का कोई ना कोई जीरो होता है, जैसे एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए उसका जीरो होगा। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो सी कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी वहां से जो ए और बी के बीच की होगी और रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है।
अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको जानने चाहिए, वो मैं बताता हूँ। अब रोल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। ऑन रोल्स थ्योरम जनरली टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर फॉर्मुलेटेड, मीन्स रोल्स थ्योरम के बेसिस पे जनरली दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मेशन होगा दो तरह के क्वेश्चन का। फर्स्ट है टू चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम टू अ गिवन फंक्शन ऑन अ गिवन इंटरवल, किसी एक गिवन इंटरवल ए बी में, मीन्स जैसे 2-3 दे दिया, 5-4 दे दिया, -3-1 दे दिया, इस इंटरवल में किसी फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम की अप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। सेकेंड, टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर अ गिवन फंक्शन ऑन अ गिवन इंटरवल। इन बोथ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी फर्स्ट चेक वेदर एफेक्ट सेटिस्फाइज कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम और नॉट। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर वेरी यूजफुल हेल्पफुल इन डूइंग सो। तो दो तरह के क्वेश्चन, दूसरे तरह का क्वेश्चन ये होगा कि रोल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन आपसे पूछ लिया जाएगा, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। तो सब दोनों ही तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो क्या होगा, टू चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। पहले हम चेक करेंगे क्या रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है उस फंक्शन पे या नहीं, यानी थ्री कंडीशंस को हमें चेक करना होगा। फर्स्ट, एफेक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी और नॉट। सेकेंड, एफेक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी और नॉट। एंड थर्ड, एफ ए इज इक्वल टू ए बी और नॉट, मीन्स एफ ए एफ बी के इक्वल है या नहीं। अब तीनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। ये चेक करने के बाद कुछ रिजल्ट्स हैं जो बहुत हेल्पफुल होंगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिनको आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट है, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कहीं भी मान लीजिए कहीं भी पॉलिनोमियल फंक्शन आता है तो वहाँ आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड क्लोज इंटरवल ए बी, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, डायरेक्ट लिख सकते हैं। वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने नहीं जाएंगे या डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक नहीं करेंगे। सेकेंड, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं ई टू द पावर एक्स और साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन, मीन्स साइन थीटा कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब फंक्शन आएंगे तो ये सब भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होते हैं। थर्ड जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। लॉगरिथमिक मीन्स लॉग एक्स कहीं आया है तो वो भी हर पॉइंट पे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, तो इसकी भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक करनी है, सिर्फ थर्ड कंडीशन एफ इज इक्वल टू एफ बी चेक करना होगा। फोर्थ है, टेन एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट, टेन एक्स कहाँ कंटिन्यूअस नहीं होता है, सिर्फ प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, प्लस माइनस सेवन पाई बाई टू, मीन्स पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स पे कंटिन्यूअस नहीं होता है, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो फिफ्थ है, मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, मीन्स जो मॉड एक्स होता है मॉडुलस फंक्शन वो एक्स इक्वल टू जीरो पे सिर्फ डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बाकी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होगा। इफ एफ डैश एक्स एक्सटेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट एज एक्सटेंड्स टू के, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू के पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर लास्ट है, द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। यानी दो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं तो उनके सम प्रोडक्ट कोसेंट सब क्या होंगे, डिफरेंस सब कंटिन्यूअस होंगे हर जगह। तो ये रिजल्ट्स आप ध्यान रखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की। थैंक्स।